बनाया जाता है बाय कंसिडरिंग देयर आउटकम्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज, और इस मेथड को कहा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो लाजमी बात है, अगर आउटकम है दो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। जैसे गेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, लॉस होना उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, दो आउटकम है, आउटकम वन एंड आउटकम टू। आउटकम वन की कॉस्ट आएगी 1000, आउटकम टू होता है तो कॉस्ट आएगी 800। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा 40% और इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये होगा 60%। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें आराम से कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए देखें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, कितने हैं इस सवाल में, दो आउटकम है, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कहेंगे पहला आउटकम 1000 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये आंसर निकाल लिया। दूसरा आउटकम 800 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये निकाल लिया। इनको सम कर दिया तो ये बन गया समेशन पी एक्स 880। यानी कि देखने में कॉस्ट 1000 भी हो सकती है, कॉस्ट 800 भी हो सकती है, लेकिन हमने कहा एवरेज। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एवरेज एवरेज आउटकम। इसका मतलब है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट वाले जो प्रोविजन बनते हैं वो एवरेज आउटकम या एवरेज वैल्यू के ऊपर बनते हैं। ठीक है, जी एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने को दी जा सकती है कि आप प्रोविजन बनाएं, ये आउटकम है, इतना आउटकम है, इसके हिसाब से। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल देखें, एन एंटिटी सेल गुड्स विद अ वारंटी अंडर विच कस्टमर हैज कवर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट बिकम अपेरेंट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर परचेज। इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड रिपेयर कॉस्ट 1 मिलियन होगी, अगर मेजर डिफेक्ट आया रिपेयर कॉस्ट 4 मिलियन होगी। दो आउटकम हो गए, माइनर डिफेक्ट और मेजर डिफेक्ट, जी दोनों की कॉस्ट बता दी। पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 75% ऑफ गुड्स सोल्ड विल हैव नो डिफेक्ट, तीसरा आउटकम आ गया, जी तो तीन प्रोबेबिलिटीज भी होंगी। जी 75% सेज दैट नो डिफेक्ट, 20% सेज दैट माइनर डिफेक्ट, 5% सेज दैट मेजर डिफेक्ट। तो नो डिफेक्ट की कॉस्ट होगी जीरो, जीरो आंसर आ गया। जी माइनर डिफेक्ट की कॉस्ट है 1 मिलियन, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। मेजर डिफेक्ट की कॉस्ट है 4 मिलियन, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, सबको सम किया तो 4 लाख आंसर आया। 4 लाख से प्रोविजन बना, ना हम 1 मिलियन से प्रोविजन बना रहे हैं, ना हम 4 मिलियन से प्रोविजन बना रहे हैं, ना हम जीरो का प्रोविजन बना रहे हैं। हम प्रोविजन किससे बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे चार हैं लाख जी 4 लाख से। क्लियर, जी ये कब होगा, जब लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट होगा। अच्छा, वेयर अ सिंगल ऑब्लिगेशन इज बीइंग मेजर्ड, ऐसा इवेंट जो वन ऑफ हो, जो बार बार ना होता हो, उसका कैसे बनाए, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज लाएंगे कहाँ से, और अगर कोई ले भी आता है तो उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, अ सिंगल ऑब्लिगेशन इज बीइंग मेजर्ड द इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली आउटकम, इस पर प्रोविजन बनाएंगे, मोस्ट लाइकली आउटकम पे बनाएंगे। जी सही है, लेकिन वहां पर आप दूसरे आउटकम भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर अदर पॉसिबल आउटकम्स मोस्टली हायर हो या मोस्टली लोअर हो मोस्ट लाइकली के मुकाबले में, तो फिर उनका भी प्रोविजन बनाया जा सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, इफ एन एंटिटी हैज टू रेक्टिफाई अ सीरियस फॉल्ट इन अ मेजर प्लांट दैट इज हैज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ कस्टमर, द इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली आउटकम मे बी फॉर द रिपेयर टू सक्सीड एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, बट अ प्रोविजन फॉर अ लार्जर अमाउंट इज मेड इफ देर इज सिग्निफिकेंट चेंज चांस दैट फर्दर अटेम्प्ट विल बी नेसेसरी। बताने का मकसद ये है कि वहां पर हमने एवरेज बेसिस पर बनाया था, यहाँ पर हम सिंगल वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे जो कि मोस्ट लाइकली भी हो सकती है, मोस्ट लाइकली के अलावा भी हो सकती है। राइट अच्छा, जी सर अब आ जाते हैं
जो भी प्रोविजन आपने पहली मर्तबा बनाया लाजिम हो तो चेंज तो होगा ना, एस्टिमेट। तो प्रोविजन शैल बी रिव्यूड, रिव्यू किया जाएगा कब? हर साल रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, और उसको एडजस्ट किया जाएगा ताकि करंट बेस्ट एस्टिमेट पे वो आ जाए। और अगर आपने प्रोविजन बनाया हुआ है और आपको लगता है इसके अगेंस्ट सेटलमेंट नहीं होगी, पेमेंट नहीं करनी, तो प्रोविजन को रिवर्स करके इनकम बना देंगे। ये अक्सर ऐसा होता है, जैसे किसी ने आप पे केस फाइल कर दिया, आपने उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना लिया, फिर आप केस जीत गए, तो प्रोविजन तो खड़ा हुआ है ना बैलेंस शीट में, तो आप कहेंगे अब हमें पेमेंट करनी नहीं है, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, अब बार दफा ये मसला आता है कि जो हमें प्रोविजन बनाना होता है ना, वो 23 साल बाद का प्रोविजन होता है, 5 साल के बाद आपको एक पेमेंट करनी है, उसका प्रोविजन बनाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा जी, उसका रूल प्रेजेंट वैल्यू, वेयर द अफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटीरियल, द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन शैल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। एंड एज यू नो दैट प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटेड चाहिए होगा जी, सही है। द डिस्काउंट रेट और रेट शैल बी प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द रिस्क स्पेसिफिक टू द लाइबिलिटी। तो जो भी लाइबिलिटी के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क का इम्पैक्ट होगा, उसकी बेसिस पर डिस्काउंट रेट निकालेंगे और उससे पीवी डिटरमाइन कर लेंगे। अब जब पीवी डिटरमाइन करेंगे तो ये तो हमने रूल पढ़ चुके ना, पीवी हर साल बढ़ जाती है जी, क्या कहते हैं उसको जो पीवी बढ़ती है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, उसके बारे में लिखा हुआ है, वेयर डिस्काउंटिंग इज यूज्ड द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन इंक्रीजेस इन ईच पीरियड टू रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम, दिस इंक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज बोरिंग कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाए, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, सही जी। अच्छा, होता ये था पास्ट में कि अब जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाते थे ना, बाद में कहते थे ये पर्पस तो नहीं है, काम करते हैं किसी और पर्पस के लिए इस प्रोविजन को बना देते, तो स्टैंडर्ड ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अ प्रोविजन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच द प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड, only expenditure that relate to the original provision are set against it, setting expenditure against a provision that was originally recognized for another purpose would conceal the impact of two different event. हमने एक provision बनाया, उसकी अगर अभी जरूरत नहीं है तो उसको cancel करेंगे और किसी और चीज के लिए दूसरा provision बनाएंगे, offsetting नहीं कर सकते। सही जी सर। अच्छा, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को डील कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कुछ एडवाइस दी हुई है, द रिस्क इन अनसर्टेनिटी दैट इनएविटेबली सराउंड मेनी इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन रीचिंग द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ